नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस, और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों, हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं जो बीपीएससी का 40th जो एग्जाम हुआ था, 40 में जो एग्जाम हुआ था 1995 में, उसी का जनरल स्टडीज का पेपर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग को करना क्या है, दो काम करना है। कौन से दो काम करने हैं दोस्तों? तो दो काम में सबसे पहले ये आएगा कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और साथ ही आप लोगों से अगर मैं कुछ पूछ मतलब कि कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट करिएगा। और साथ ही क्या है, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एफपी ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, तो आप लोग वहां से आप लोग ले सकते हो। बाकी आप लोगों को करना क्या है, एक काम और करना है, अगर हो सके तो प्लीज आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो करिएगा। मैंने बहुत सारे कोर्स बनाए हैं वहां पर, बहुत सारे यूपीएससी से संबंधित, आपका बीपीएससी से संबंधित, एसएससी से संबंधित, ठीक है, और वहां पे मेरे और भी बहुत सारे कोर्स जो है कंटिन्यूशन सीरीज में चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैंने वो आपको बता ही दिया, तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पे देखना, पहले प्रश्नों के साथ स्टार्ट करना है। बाकी मैंने डिटेल तो आप लोग को बता ही दिया कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो 40 में एग्जाम हुआ था उसको देखने जा रहे हैं, कब हुआ था, 1995 में। और ये जो लेशन होगा वो आपके आने वाले सभी एग्जाम, मतलब सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का 64th प्रीलिम्स के लिए लाभदायक नहीं होगा, ये आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं फ्यूचर में, बीएसएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, या किसी और भी स्टेट का क्यों ना, तो इसमें से सिर्फ आप स्टेट के क्वेश्चन हटा दीजिए, बाकी दूसरे जो भी क्वेश्चन है दूसरे स्टेट सर्विस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक खड्यंत्र की संज्ञा दी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में नहीं है, जिसने दिया इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। आंसर डी मतलब इसका आंसर आप रख दीजिए ई, क्योंकि जो अब बीपीएससी है उसने तो ई का भी सिस्टम निकाल ही दिया है ना, तो ई का जैसे ही सिस्टम निकाल दिया तो इसमें ई ऑप्शन डाल दीजिए, क्योंकि दो दो या दो से अधिक या कोई नहीं, तो इसमें आंसर क्या होगा, कोई नहीं, क्योंकि जो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 की ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू मुस्लिमों का खड्यंत्र कहा था, तो आंसर क्या होगा, ई। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या होगा, ई। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया। पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं लिया, ये चीज याद रखना है। पहला है खेतिहर मजदूर, दूसरा है साहूकार, तीसरा है आपका कृषक, चौथा है जमींदार। तो निम्नलिखित में से सही जो है उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, खेतिहर मजदूर और साहूकार ने तो 100% भाग लिया था, लेकिन जो कृषक थे और जमींदार जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो आंसर क्या होगा, डी। और जो है 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आप लोगों को पता है जो कब होती है, कौन सा दिन था, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना डिटेल तो अभी डिस्कशन में नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे डिटेल डिस्कशन हो सकता है इसके साथ, तो होगा तो मैं कभी एक वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग के सामने 1857 को लेकर, और डिटेल डिस्कशन में कहाँ पे कौन लीड कर रहे थे ये सब, जैसे हमारे बिहार में कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, तो बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो दोस्तों सबसे पहले डिटेल तो ये जान लीजिए कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो प्राचीन बिहार के संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक ग्राम में 12 जून 1857 की संध्या में स्थल सेना की जो 32वीं रेजिमेंट के 5वीं इरेगुलरी कमान के सैनिकों के विद्रोह स्वरूप हुई। अब ये सारे कहाँ चले गए, झारखंड में, तो इस चीज को याद रखेगा। और इसके पश्चात ही पटना, मुजफ्फरपुर व जगदीशपुर आदि स्थानों पर विद्रोह की जो है अग्नि भड़की थी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सबसे पहले रोहिणी, ठीक है, उसके बाद पटना, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर, तो आंसर शुड बी बी। अगला है यहाँ पर, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या है, खोड। तो खोड जो जनजाति था उसने क्या किया, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था, कौन से जनजाति, खोड जनजाति। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इससे संबंधित लीडर को, या किस वर्ष स्थापना हुई थी।
तो आपका जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1924 ईस्वी में हुई थी, 1924 ईस्वी में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल जो एसोसिएशन है उससे संबंधित कौन कौन है कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, इंडियन नहीं पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, जिन्हें पहली महिला के रूप में इस पद को ग्रहण करने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, मैंने अनअकैडमी के ऊपर इसके ऊपर पूरा एक कोर्स एक लेसन मैंने बना रखा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने कि निम्न में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलनों से मुक्त अप्रभावित रहा, पूछा जा रहा है अप्रभावित रहा। अगला है यहाँ पर सॉरी ऑप्शन है महिलाएं, दूसरा है कृषक, तीसरा है बुद्धिजीवी, चौथा है मुस्लिम वर्ग। तो कौन कौन अप्रभावित रहा, तो कृषक और बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका C2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों 1905 का लॉर्ड कर्जन, उस टाइम था बंगाल का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा इस चीज सबको, बहुत लोग मारे गए थे इस विभाजन में, और फिर 1911 में एक भी हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, पूछा जा रहा है नहीं था, इस चीज को याद रखना है। पहला आपका बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा है एस सुब्रमण्यम अय्यर, चौथा आपका है यहाँ पर एस एच ऑलकॉट। तो किसका नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो होगा आपका एक चीज की इसमें से अगर हम बोले तो एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनका योगदान नहीं था, क्योंकि देखिए एस एच जो ऑलकॉट ने थियोसोफिकल सॉरी सॉरी गलत बता दिया, जो एस एच ऑलकॉट जो थे इसका योगदान नहीं था, क्योंकि जो एस एच ऑलकॉट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैसे होम रूल एक बाल गंगाधर तिलक का था पूरा का पूरा महाराष्ट्र में, उसके बाद एनिवेशन का था साउथ इंडिया वाला, ठीक है, उसके बाद दोनों एक हो गए थे, इस चीज को याद रखेगा। और एस सुब्रमण्यम अय्यर ने भी होम रूल लीग में अपनी जो है भूमिका निभाई थी, लेकिन जो एच एस ऑलकॉट जो थे वो थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। ठीक है, तो उन्होंने होम रूल आंदोलन पर सुनिश्चित भाग नहीं लिया। जो होम रूल आंदोलन जो कब हुआ था 1916 ईस्वी में, याद रखेगा 1916 ईस्वी में जो हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और किसने भाग नहीं लिया था, मैंने आपको अभी बताया, बताइए एस एच ऑलकॉट ने। ठीक है, और एक चीज ये भी था दोस्तों कि जो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर आदि ने होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट भी किए थे। अगला है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले चौरी चौरा का होता है पुलिस में गोलीकांड, ठीक, उसके बाद उग्र भीड़ पर पुलिस थानों को जलाना, उसके बाद गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, खान जो अब्दुल गफ्फार खान। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहला भारतीय थे एम एन रॉय को मैंने अपने अनअकैडमी कोर्स पर इंडियन पोलिटिकल थॉट में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी, एम एन रॉय, अम्बेडकर जी, सारे, इसलिए बोलता हूँ, वहां भी आप देख सकते हो। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्यों आप वीडियोज बना रहे, वीडियोज ये इसलिए बना रहे क्योंकि अब जो है अनअकैडमी के ऊपर सिर्फ मैं यूपीएससी से संबंधित कोर्स ही बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, 1927 ईस्वी में, कब हुआ था दोस्तों, 1927 ईस्वी में। अगला है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है, इसमें से वही कि कौन सा सही है आपको बताना है। तो कथन कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, क्या कहता है दोस्तों कथन, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। दूसरा, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो उपयुक्त दोनों कर जो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आंसर क्या है, सी। ए जो है आपका कथन ये सत्य है, लेकिन जो कारण जो है वो असत्य है। ठीक है, कारण असत्य क्यों है, आप लोग अगर पढ़े हुए तो प्लीज कमेंट करिए, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़िए इसके बारे में। अगला है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। अगला है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855
55 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये झारखंड में बहुत बार पूछा जाता है, आंसर क्या है, भागलपुर राजमहल। अगला 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो 1830 ईस्वी में पटना नगर केंद्र किसका था। एक चीज मैं बता दूं कि जो सरकार की घोषणा करने वाली संथाल जो कर दिए थे, ठीक है, 1855-56 से रिलेटेड, कि भागलपुर से राजमहल के बीच संथालों की संगठित सेना द्वारा विद्रोह की अग्नि जो है भड़क उठी थी, और इस समय यह क्षेत्र दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दामन एक कोह के नाम से, ठीक है। और 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो किसका नगर केंद्र था दोस्तों, तो इंपोर्टेंट है, तो बहावी आंदोलन का। किसका? बहावी आंदोलन का। अगला है 1866 से 67 ईस्वी के नील खेतिहारों या खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। 1866 से 67 का पूछ रहा है, ना कि 1917 का पूछ रहा है, ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है चंपारण, ठीक। अगला है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है, वर्ष 1934 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, तो निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग अगर थोड़ा भी माइंड लगाएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा ए, सौर ऊर्जा। आगे है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वाट, जो कितने हम वाट यूज करते हैं उसी चीज पर आधारित होता है, तो आंसर क्या होगा, एक, केवल एक। अगला है हास्य गैस क्या है, यानी जो लाफिंग गैस होते हैं वो क्या है, तो लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों, तो इसमें से सबसे भारी धातु है तांबा, जो यूरेनियम, एल्यूमिनियम है, चांदी, आंसर होगा चांदी। अगला है जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। अगला है सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है, रक्तदाता का रक्त, ये ग्राही का नहीं पूछ रहा है, तो रक्तदाता का पूछ रहा है दोस्तों, तो इंपोर्टेंट है ओ, अगर रक्त ग्राही का होता तो ए बी। अगला है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पहले हुआ, लगभग कितने वर्ष पहले हुआ ये पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा ये देख लीजिए, डी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है दोस्तों, तो सिकुआ, कौन सा है, सिकुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो किस में सबसे अधिकतम प्रोटीन होता है, आप लोग को अगर ना पता हो तो बताइए, सोयाबीन में। अगला है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मृदा अपरदन जो है वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को वृक्षारोपण, उसके बाद है मेरवंदी, कंटूर कृषि इत्यादि विधियों से रोका जा सकता है, और अति चराई, वनस्पति के उन्मूलन, पक्षी संख्या में वृद्धि से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न, जो उड़ नहीं सकने वाली पक्षी कौन सी है, बताइए, कीवी, आंसर क्या है दोस्तों, कीवी, न्यूजीलैंड को इसलिए कीवी भी कहा जाता है ना। अगला है समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के जो है प्रकीर्णन के कारण, आंसर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है तेज होती है। अगला है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों, पुष्प। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के सामने कि आर्कियो जो है आपका पेटेरिक्स क्या है, तो आर्कियो पेटेरिक्स क्या है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा गया, ठीक है, तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। अगला है आपका स्प्रिन क्या है, स्प्रिन जो है आपका क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, स्प्रिन जो है एक एंटीपेरेटिक है, ठीक है, तो स्प्रिन एक एंटीपेरेटिक दवा होती है, और इसका प्रयोग शरीर में दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है, और उस पर की अन्य दवा है क्रोसिन, फिनेस जो सिटी, उसके बाद पायरोमिडिन इत्यादि, और इस भी जो है कल परसों में, कल ही न्यूज में था कि कम से कम 400 लगभग जो दवाइयां हैं 398 के लमसम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाला, उसको जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, जिसमें से आपका क्रोसिन भी है, ठीक है, तो सुमो भी है, बहुत सारे हैं, ठीक। अपमार्जक क्या है दोस्तों, तो अपमार्जक क्या है आपको बताना है, शोधन अभिकर्ता, क्या है, शोधन अभिकर्ता। रेडियो धर्मी पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है, तो रेडियो धर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, आंसर क्या होगा, ये सभी। अगला है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है किस में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, अस्तनी में, मैमल्स में।
अगला, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तब हम दोस्तों क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। अगला है, 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों पर चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है, तो मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसे कितने देर विश्राम किया? ठीक है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर होगा आपका 10 मिनट। क्या होगा दोस्तों? 10 मिनट। ये बताइए कैसे होगा 10 मिनट, आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने, ये मैथ के क्वेश्चन है कि लकड़ी के एक ब्लॉक की माप 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है, तो कम से कम माप वाली लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने ब्लॉकों की आवश्यकता होगी? तो 8 ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं, तो उसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा 43 का आंसर जो होगा दोस्तों होगा 80। कितने श्रमिक चाहिए? 80 श्रमिक चाहिए, है ना? यही होगा दोस्तों, 80 श्रमिक चाहिए। हाँ, 80 ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक इंजन जिसके पहिए की परिधि जो है 7.1/2 मीटर है और 9 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर घंटा में कितनी होगी? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका 21 किलोमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में कितने वृद्धि होगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 10.25%। यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर 4-5, ये जो है आपका 3-9-4-5 लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में ए बी आई डी अवॉइड को क्या लिखा जाए? डी चौथे पे, ई पांचवे पे, सी तीसरे पर। तो ए आपका हो जाएगा 1, फिर बी होगा 2, उसके बाद होगा आई आता है आपका 9 पे, तो 1-2-9-4-5 आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 रुपये हो और 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपये हो, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय कितने होगी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 26,250। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक्स किसी स्थान से 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, उसी स्थान से 1 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी वाई 70 किलोमीटर की घंटा के चाल से चलती है, तो कितने समय के उपरांत वाई रेलगाड़ी एक्स रेलगाड़ी को पार कर लेगी? तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है आपका जो 2.5 घंटे। अगला प्रश्न है, यदि वाई का एक्स प्रतिशत जेड का वाई प्रतिशत हो तो जेड बराबर होगा, तो जेड बराबर क्या होगा? एक्स। अगला है यहाँ पर, एक वर्ग परीक्षा में एक्स और वाई को निम्नलिखित अंक मिले हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अंग्रेजी हिंदी गणित, तो कितने कितने अंक मिले हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला है यहाँ पर, ग्रीन पीस क्या है दोस्तों? तो ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक एनजीओ है, इसके ऊपर इंडिया में बैन भी लगाया गया था। अगला है, हाल ही में आयोजित जी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस चीज को हम छोड़ देते हैं यहीं पे। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत नहीं, देखिए ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस टाइम का। ठीक है, हाँ, आगे है कि समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में, इसकी अनुमानित संख्या है। अब चीता तो है ही नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए चीत, ये अभी चीते के जो लेकर बातें हो रही थी कि जो आपका मध्य प्रदेश में इसको लाया जाए। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला है, विश्व मुक्केबाजी संगठन की हैवीवेट श्रेणी का वर्तमान विजेता, ये सब क्या पूछा है? बहुत पुराना है ये सब। ठीक है, तो इस सबको हमें नहीं देखना है और आगे बढ़ते हैं, तो ये भी नहीं देखना है, इस सबको हमें देखना ही नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन को, है ना? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, जो मुहाजिर मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है दोस्तों? मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? जो ये आपका पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुस्लिमों का एक राजनीतिक दल। अगला है, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष, ये सब इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला है, जो विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित होगी, ये भी ये याद कर लीजिए वैसे कि विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ पे स्थित है, हो सकता है कि बीपीएससी फिर से पूछ ले, तो दाभोल में। अगला है, नाशक क्या है दोस्तों? तो अगर नाशक की बात करते क्या है कि भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र नौका। अगला है, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित, ये सब हमारे लिए याद नहीं है, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। और एक चीज है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, तो इसकी पहचान कीजिए, तो ये कौन सी रोग है दोस्तों? तो ये रोग क्या थी? आप लोगों को पता है, 6 रोग, टीवी से बहुत ज्यादा लोगों का मृत्यु होता है,
निम्नलिखित देशों में से मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है? उस टाइम की बात करें तो उस टाइम कौन था? पाकिस्तान को। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसने, देखिए ये चीज चलो फिर भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त जो है विरोध किया था, उस टाइम विरोध किया था? तो आंसर क्या था? इंग्लैंड। अगला, इसीलिए ब्रेक्जिट लिया और बाहर हो गया। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया, ऐसा करने में वे उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे जो उनके पक्ष में निहित है। तो कौन से अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे दोस्तों? आर्टिकल 175 बी का। किसके दोस्तों? आर्टिकल 175 बी जो है उसका वो प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने कि भारतीय, हाँ चलिए, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम से लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है, इस पर्वत का नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम क्या है? रमन सागर पर्वत। अगला है, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? सर्वाधिक जो खर्चा कौन से क्षेत्रों में हुआ है दोस्तों? विकास में। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो अगर हम अभी बात करें तो कौन हो सकता है दोस्तों सबसे बड़ा खरीदार? अगर शायद अभी इंडिया ही है, ठीक है, तो उस टाइम के लिए सऊदी अरब था। अगला, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद, ये हमारे लिए फिर भी देख लीजिए क्या था, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है, ये पूछा गया है? ठीक है, तो आंसर क्या था? 490। उसके बाद है जो है आपका ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी, या रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है? ठीक है, तो इसकी रचयिता रोमा देवी है, सही है। इसमें कपिल देव के खेल का जीवन का विवरण है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ, बिल्कुल सही आंसर है डी, सारे सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक, ये हमारे लिए सही नहीं है। यहाँ साप्टा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साप्टा है साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? सामान्यतः कौन से रंगों का उपयोग होता था? लाल रंग का। अगला है यहाँ पर आप लोग के सामने कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेपर नामकृत देवता को। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था दोस्तों? आजीवको ने। बराबर की गुफाओं का किसने उपयोग किया था? आजीवको ने। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो क्या है? 12 अंग। कौन सा है दोस्तों? 12 अंग। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का जो है क्रमिक, जो अंत जिसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब किया था दोस्तों? तो ये लगभग जो है आपका 673 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर, उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका खैराज जो है, ये आपका भूमि के उत्पाद पर कर जो है कर लगता था। खैराज क्या होता है, ये एक चीज अगर हम बात करें दोस्तों, जो खैराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर, और खम्स क्या होता था, यह लूट का धन होता था। ठीक है, और उस्र क्या होता था, केवल मुस्लिमों से भूमि की उपज पर यह कर लिया जाता था। उसके बाद मुक्तई क्या होता था, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी मुक्तई। तो आंसर क्या हुआ इसका? ए। अगला है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने जो है बहमनियों से गोवा छीना। ठीक है, बहमनियों से जो है गोवा छीना था। तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? उसका आंसर है हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुर्दी मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, या किस संप्रदाय से था? तो दोस्तों तो इसका आंसर क्या है? फिरदौसी संप्रदाय से। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो मध्यकाल में जो है बिहार शरीफ का नगर किस लिए महत्वपूर्ण रहा दोस्तों? तो बात करें विद्या केंद्र के रूप में बिल्कुल, और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से सम्मानित किया था सर टॉमस रो को। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त होता था। तो कहां से होता था? बिहार से। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अगला है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, और नीचे दिए कूटर से सही उत्तर जो है चूज कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें
तो अगर मैं आपको बता दूं तो जो नागानंद है, ठीक है, नागानंद जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो नागानंद जो है आपका यहाँ पर हर्षवर्धन से, जो एक मिनट ठीक है, इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित बाणभट्ट ने। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, ठीक है। उसके बाद तो बहुत इजी से हो जाना चाहिए, आंसर होगा इसका 1 2 3 4 6। तो देख लीजिए कि नागानंद का जो है आपका बाणभट्ट, नहीं, ये गलत है दोस्तों, ये गलत हो रहा है। तो इसका आंसर होगा डी, 2 1 3 4 6। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नागानंद हर्षवर्धन, हर्षचरित बाणभट्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका तुगलकनामा अमीर खुसरो। उसके बाद जो है आपका ये तोहफ जो है तोहफत उल मोहिद्दीन राजा राम मोहन राय। उसके बाद नील दर्पण दीनबंधु मित्रा, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो 1856 ईस्वी में कौन कौन से कानून पारित हुआ? धार्मिक असुविधा कानून, ये सती वाला तो नहीं, इसको कट कर दीजिए, और हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह कानून। आंसर क्या होगा? A 1 and 3। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। अगला, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। अगला, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? इसका आंसर आपका नादास्त्र। अगला है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हम बात करें तो केवल बुद्धिजीवी वर्ग को। आंसर होगा ए। अगला है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? तो कितना समय लगता है दोस्तों? 10 करोड़ वर्ष। अगला है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। तो ये क्या होते हैं? ये क्रिस्टलीय, विक्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? ये पूछा गया, कौन सा जो है एक पतन नगर नहीं है? पहला टोक्यो, दूसरा कैनबरा, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा लंदन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका कैनबरा जो है एक पतन नगर नहीं है। अगला है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? तो कितने? संपूर्ण भूमि का 33%, संपूर्ण भूमि का 33%। तो पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है? चीन। कौन सा है दोस्तों? चीन। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो कौन सा है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, अभी जो है छत्तीसगढ़ को याद करिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन सा जो है भूमि बंधित नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है आपका? लूनी, ठीक है, जो राजस्थान में बहती है और अरावली पर्वत से निकलती है। अगला है, मानसून का निवर्तन निवर्तन इंगित होता है। तो मानसून का जो निवर्तन है दोस्तों किससे इंगित होता है आपका? साफ आकाश से। किससे? साफ आकाश से। आंसर होगा एक, केवल एक। अगला है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? सबसे बड़ी जो है वाह नदी मतलब कि बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा, उसके बाद गोदावरी। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही जो है अवरोही क्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश को अभी हटा दीजिए, आंध्र प्रदेश का जो डिवीजन हो चुका है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। वैसे सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? अगर हम बात करें तो देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का रैंक 13वां हो चुका है, पहले 12 था, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा, बिहार तो सबसे लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, 3 4 1 2, ठीक। अगला है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने, कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद जो है दोस्तों ये कौन सा है आपका? रुंडुनू, रुंडुन, रुंडुन, ठीक है। अगला है, मार्मागुआ पतन कहाँ स्थित है? तो मार्मागुआ पतन कहाँ पे दोस्तों? गोवा में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन सा है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका मत्स्य उद्योग है प्राकृतिक अंतःस्थलीय में छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार कैसा है दोस्तों? एक संप्राय भूमि है। उसके बाद बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे? बिहार में जो है पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी दोस्तों? मढ़ौरा में। अगला है आपका, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है अभी के हिसाब से? तो इसको हटा दीजिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है। अगला है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है अभी भी ये आपका 94,100 कुछ किलोमीटर, तो ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो कौन सी है जो दोस्तों गंगा से मिलती है? तो आंसर क्या होगा? गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। तो आंसर क्या होगा? ए 1 2 3 4।
अगला है विश्व का सर्वोत्तम जो है सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो कहाँ से होता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है आपका हजारीबाग से। अगला है केवल दो होगा आंसर, ठीक है। अगला नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक और आर मतलब कि एक कथन आर रीजन, तो दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट जो है सही है? बिल्कुल सही है, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा, ए ए और दोनों ए और आर दोनों सही है, और जो आर है ए का सही व्याख्या करता है। अगला है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके उस पे, तो ये आप बता सकते हो कि जो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे, आंसर होगा सी, है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है 1/6, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है अगर हम बोले तो, इसमें देखिए अध्यक्ष के प्रति नहीं, संसद के प्रति, ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी, मैंने बता दिया, वर्तमान लोकसभा में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे जो है 1971 की जनगणना के आधार पर स्थानों का बंटवारा है, आंसर होगा सी। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहता है तो उसे अपनी त्यागपत्र किसे देना होगा, उपाध्यक्ष को, आंसर क्या होगा सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, सबसे पहले आता आपका हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धनवादी, ठीक है, आंसर होगा डी, ठीक। लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री, तो लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। अगला है दोस्तों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं, ये एक ऐसे विधेयक विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो आंसर होगा डी, केवल चार। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, लेकिन सहमति कौन देगा दोस्तों, तो इसकी जो सहमति संसद द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी उड़ीसा का न्यूज में है, ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा, तो आंसर होगा बी। ये अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली को हटा दीजिए, ठीक है, भी हिमाचल प्रदेश में भी है, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, केवल चार, बिहार में है, अभी 8 राज्यों में अब हो चुका है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है बिहार संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 170। अगला है बिहार से लोकसभा के अभी कितने हैं, बिहार से लोकसभा के सदस्य 40, ठीक है, तो 40 है, याद रखिएगा। अगला है बिहार से लोकसभा, ये हो ही गया 40, मैंने बता ही दिया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है यहाँ पर कि 8 अक्टूबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। अगला है दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत का सर्वाधिक प्रगति हुआ है, तो भारत का सर्वाधिक प्रगति किस में हुआ है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो गेहूं के उत्पादन में। अगला है 8 अक्टूबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 11% से बढ़ाकर, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, है ना। अगला प्रश्न है भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो आंसर होता है बिक्री कर। अगला है जो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सीएसओ के द्वारा। अगला है बस 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है, 1991 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है आपका था 84.6, लेकिन 2011 के अनुसार लगभग 121 करोड़, अभी 130 करोड़ के लमसम सब कहते हैं, आंसर है भारत को एक अल्पविकसित देश कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों भारत को अल्पविकसित देश कहा जाता है क्योंकि नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, और कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण भी नहीं, औद्योगिक उन्नति ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा बी, 1 और 2। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता है कि किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित होना। आगे भारत में निर्यात जो है प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं, अभी ये ज्यादा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में अब बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक। अगला प्रश्न है कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत क्या था, तो इसका औसत क्या था दोस्तों, इसका औसत था 18.9%। फिर वही वर्ष 1995-96, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगला है ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए वर्ष 1995-96 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित आवंटन क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर
फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर, तो इसका आंसर था सी 726 करोड़। अब बिहार की सिंचाई क्षमता आसानता कितनी है, बिहार की जो सिंचाई क्षमता है दोस्तों लगभग आपका 90 लाख हेक्टेयर भूमि। बिहार की शस्य गहनता लगभग कितनी है, तो उसी टाइम के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है दोस्तों, तो बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायी, ठीक है, आंसर है ए केवल एक। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों, जिला विकास पदाधिकारी। और यहाँ पर आप लोग का ये आंसर की दिया हुआ है, अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो उसे भी मैच करिएगा, बताइएगा जरूर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी एक नए नेक्स्ट लेसन में मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ या बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही। तो आप लोग प्लीज करना क्या है, सब्सक्राइब करना है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हो जाता है कभी साउंड्स के प्रॉब्लम हो जाता है, अभी तो न्यू मैंने स्टार्ट किया है, इतना बजट वजट नहीं है, मैं क्लियर बोलूँ तो, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग।